बीते कुछ समय पहले प्रॉफिट बजेंदर के चर्च में उनके सभा में कुछ बॉलीवुड एक्टर्स आए थे. फिल्मी कलाकार ने आकर कई सारे फिल्मों के डायलॉग्स बोले और उसमें मैंने एक वीडियो देखा था. प्रॉफिट बजेंदर ने ये कहा था कि मैं बचपन से महिमा चौधरी का बहुत बड़ा फैन हूँ और अभी नहीं हूँ मैंने, क्योंकि पाप का दुनिया छोड़ दिया. छोटी सी उम्र में मुझे बहुत अच्छी लगती थी महिमा चौधरी जी. मुझे तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है महिमा चौधरी. हालेलुया. धीरे धीरे जवान हो ही रही थी ना. स्यापा. एनीवेज, शादीशुदा होने से कुछ नहीं होता, इंसान की नियत खराब होनी चाहिए. तो इस पे एक परमेश्वर के दास सामने आकर बात की. शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी गंदी बातें पुलपट पर जाकर लोगों से बुलवा रहे. बजेंदर सिंह को मैंने बपतिस्मा दिया, ट्रेनिंग दिया है और मैं आपको बता दूं 5 साल तक तो वो मेरे एकदम साथ साथ रहा है. बहुत कुछ उसने सीखा और उसको सेवकाई में मैंने ही खड़ा किया. और अगर उसने फिल्मी स्टार्स को इसलिए बुलाया हो कि भाई चलो इस बहाने ये भी प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे, इनके जीवन में भी उद्धार आ जाएगा, तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ. बहुत अच्छा. लेकिन स्टेज से उनको बोलने के लिए अनुमति नहीं देना था या बोलने से पहले उनको समझा देना था कि भाई ये पवित्र वेदी है, यहाँ से कोई भी अपवित्र बात हम नहीं बोल सकते. एक पवित्र मंच से जहाँ से हम परमेश्वर के पवित्र संदेश को लोगों के पास पहुँचाते हैं, वहाँ से अपवित्र बातें हो, वहाँ खड़े होकर ऐसी ड्रामेबाजी हो, अशुद्धता हो, ये तो अच्छा नहीं है. फिर लोग भी वहाँ सुन रहे थे, वो लोग तो भोले भाले हैं, उनको तो पता भी नहीं क्रिश्चियनिटी क्या होती है. सब दूसरे धर्मों से आए हुए लोग थे, उनके लिए तो नॉर्मल था. वो तो गंदी बातों में भी हालेलुया बोल रहे थे, उनको पता ही नहीं हालेलुया शब्द कितना पवित्र है. और हम गंदी बातों के लिए प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और धर्मी परमेश्वर है. मान के चलो कि बजेंदर ने जो चीज़ किया गलत किया, और इस बीच में एक व्यक्ति जब मंच के ऊपर गलत चीज़ों को कर रहा है, लेकिन पास्टर अंकुर नरोला ने जो स्टेटमेंट दिया ऑन मीडिया लाइव अपने प्रेयर मीटिंग में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता उन्होंने गुप्त में ताड़ना देना चाहिए था?